टू माई चैनल होम डुआर्स। सो आज मैं फिर से एक नए आर्टवर्क के साथ आई हूँ। आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा कि मैं एक मून टेक्सचर आर्टवर्क बनाने वाली हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैंने इस वीडियो में सारी क्वेरीज कवर करी हैं, क्या बनाना है, कैसे कलर करना है, 3D इफेक्ट देना है, कितने टेक्सचर टूल्स मैंने यूज़ किए हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें हमें करनी है ताकि आर्टवर्क अच्छे से बने। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बाकी टेक्सचर वीडियोस भी मैंने अपने चैनल में डाली हुई हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इट इन द प्रोसेस। सो टेक्स्चर्ड आर्टवर्क बनाने के लिए मैंने इन आर्ट टूल्स का यूज़ किया है। ये मेरे पास एक साल से थे, अब जाकर मैंने इन्हें बाहर निकाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने के लिए। इनकी परचेज लिंक मैंने अपने बायो में डाल दी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उन्हें जाकर उस परचेज लिंक से खरीद सकते हैं। जो हमने थिक पेस्ट बनाया है उसको हम फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर ऐसे करके हम पहले इसे लेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे धीरे धीरे टेक्सचर देना स्टार्ट करेंगे। मैंने ये पॉलीथीन से टेक्सचर देना एक ऑनलाइन वीडियो में देखा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने सोचा ट्राई करूं। क्योंकि मेरा जो पेस्ट था वो काफ़ी रनी था इसलिए टेक्सचर उतने अच्छे से आ नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने इसे ट्राई किया। फिर उसके बाद मैंने अपने आर्ट टूल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि थिकनेस टेक्सचर पेस्ट की ज़्यादा नहीं है तो अभी मैं एक बेसिक टेक्सचर दे रही हूँ ताकि बाद में हम उसके रेफरेंस को फॉरवर्ड करें। तो ये दोनों मंडलाट आर्ट टूल्स हैं, ये दोनों को मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। हम बेसिक टेक्सचर देंगे, एक दिन ड्राई होने के लिए रखेंगे एंड देन फाइनल कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद अब हम इसे कलरिंग करना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने ये कलर्स यूज़ किए हैं। इनके भी डिस्क्रिप्शंस मैंने दे दिए हैं अगर आपको परचेज़ करना हो। सो स्लोली हम इन कलर्स को मिक्स करके डैब करेंगे और पूरे में स्प्रेड आउट करेंगे। बेसिकली हम अंदर लाइटर शेड से डार्कर शेड्स की तरफ जाएंगे और फिर एंड में थोड़ा सा लाइट करेंगे ताकि एक 3D लुक आए। सो आप इसको गौर से देख सकते हैं, ये थोड़ा 3D लगने लगा है, तो वैसे ही हमें प्रोसेस करनी है।
So this is the final artwork. I hope you've enjoyed this video as much as I have enjoyed creating it for you guys. At the end, you know the drill guys, subscribe this channel, share with your family and friends, and I will come next Sunday with another new technique and new artwork. Till then, goodbye and take care.